नमस्कार, वेलकम टू योर चैनल स्टॉक मार्केट विजार्ड्स। आज की वीडियो में हैप्पीस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड शेयर का डिटेल्स में टेक्निकल एंड फंडामेंटल को एनालिसिस करेंगे, क्योंकि इसका फंडामेंटल में ईपीएस का ग्रोथ देखने को मिल रहा है, रेवेन्यू का ग्रोथ देखने को मिल रहा है, उसके साथ चार्ट में एक बड़ा टाइम फ्रेम का रिवर्सल आ सकता है एंड प्राइस एक बुलिश चार्ट पैटर्न क्रिएट कर रहा है। जैसे ही प्राइस यहाँ पे ट्रिगर करेगा तो एक बड़ा मूवमेंट अपसाइड की तरफ आ सकता है एंड स्टॉक का प्राइस उसका लाइफ हाई को टेस्ट करेगा। तो डिटेल्स में अब हम एनालिसिस करेंगे विथ डिटेल्स रिस्क वार्ड। उससे पहले अगर अभी तक आप स्टॉक मार्केट विजार्ड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज यूजुअल किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले या एनालिसिस करने से पहले आपको पता होना चाहिए उस स्टॉक का सेक्टर क्या है एंड इंडस्ट्री क्या है। अगर आप स्टॉक का सेक्टर देखेंगे आईटी सॉफ्टवेयर का एंड इंडस्ट्री है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वीडियो। देखिए जो स्टॉक का मार्केट कैप है अराउंड 13,148 करोड़ का, कंपनी के पास रिजर्व कैश है 1,348 करोड़ का, डेप इक्विटी 0.39 जो कि मैनेजेबल है। किसी भी स्टॉक का डेप इक्विटी बिलो 1 आप उसको पॉजिटिवली कंसीडर कर सकते हैं। करंट प्राइस चल रहा है यहाँ पे 863 का और इसका बुक वैल्यू है 90.4। इंडस्ट्री पी है 38, स्टॉक का पी चल रहा है 54, इंडस्ट्री पी के ऊपर स्टॉक का पी अवेलेबल है। प्रमोटर होल्डिंग 50.2% जो कि मैनेजेबल है। प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पे 9.58। लास्ट थ्री ईयर का रिटर्न देखेंगे 35% एंड लास्ट वन ईयर से स्टॉक का प्राइस यहाँ पे अंडर परफॉर्म कर रहा है जो कि रेड फ्लैग है एंड लास्ट वन ईयर का रिटर्न ओनली 2% है। इसका मीनिंग है कि स्टॉक का प्राइस आइदर एक डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है नहीं तो एक रेंज के अंदर कंसोलिडेशन कर रहा है, जो कि आगे जाकर चार्ट में डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे। अगर अभी हम क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस के ऊपर सेल्स एंड नेट प्रॉफिट देखेंगे तो देखिए सेल्स यहाँ पे कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है जो कि पॉजिटिव साइन है एंड नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे ग्रो कर रहा है। सेल्स एंड नेट प्रॉफिट में दोनों में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर अब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर जाएंगे तो देखिए प्रमोटर यहाँ पे होल्डिंग कर रहे हैं 50.24%, मैनेजेबल क्वांटिटी है, एफआई के पास माल है 5% एंड एफआई यहाँ पे शेयर होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं जो कि पॉजिटिव साइन है। डीआई होल्ड कर रहे हैं 2.41% एंड पब्लिक के पास माल है यहाँ पे 40%। अगर पब्लिक कैटेगरी में बिग इन्वेस्टर देखेंगे तो बिग इन्वेस्टर यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं अराउंड 6%, तो 40% पब्लिक कैटेगरी में एंड पब्लिक कैटेगरी में जो बिग इन्वेस्टर होल्ड कर रहे हैं यहाँ पे 6%, तो रिटेल पब्लिक के पास माल यहाँ पे अराउंड 34% जो कि रेड फ्लैग है। किसी भी स्टॉक में रिटेल पार्टिसिपेशन अबव 20% आप उसको रेड फ्लैग कंसीडर कर सकते हैं एंड इस स्टॉक में तो यहाँ पे 34% पब्लिक होल्ड कर रहे हैं जो कि सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। लेकिन स्टॉक का चार्ट सेटअप जिस टाइप का दिखाई दे रहा है प्रोबेबिलिटी हाई है कि आने वाले टाइम इसमें बड़ा मूवमेंट आ सकता है अगर प्राइस एक बार जो कॉपर हैंडल पैटर्न बन रहा है उसको ब्रेकआउट कर देगा। तो चलते हैं चार्ट के ऊपर, देखते हैं कि किस टाइप का प्राइस सेटअप शो कर रहा है। आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन हुआ है ये ओपन हुआ है हैप्पीस्ट माइंड का, टाइम फ्रेम सिलेक्ट हुआ है वीकली। देखिए आईपीओ यहाँ पे लिस्ट होने के बाद एक अप ट्रेंड यहाँ पे एस्टेब्लिश किया था एंड प्राइस यहाँ पे टॉप बनाया था नियरली 1550 के आसपास। उसके बाद देखिए स्टॉक का प्राइस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा था एंड प्राइस जब भी ब्लू लाइन के आसपास जा रहा था देखिए प्राइस को यहाँ पे मल्टीपल टाइम सप्लाई मिला है एंड फाइनल देखिए प्राइस के लिए जो मेजर रेजिस्टेंस बन रहा है ना जो लाइफ हाई से ब्लू लाइन आ रहा है उसी लेवल को टेस्ट करने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। जैसे ही स्टॉक का प्राइस अभी जो प्राइस स्विंग हाई बना है 961 लेवल को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे एक बार नया अप ट्रेंड प्राइस एस्टेब्लिश कर लेगा एंड उसी केस में नेक्स्ट टारगेट बनेगा 1550 जो इसका लाइफ हाई है एंड उसका जो प्रीवियस स्विंग लो बनेगा वो बनेगा एग्जिट पॉइंट। प्राइस उसका प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए एंड जैसे यहाँ पे स्विंग हाई को ब्रेक कर देगा नया अप मूव का स्टार्ट हो सकता है अबव 961। तो इस लेवल के ऊपर ध्यान रखिएगा, जैसे ही प्राइस 961 लेवल को ट्रिगर करेगा नेक्स्ट अप मूव आ सकता है। उसके साथ देखिए प्राइस यहाँ पे क्रिएट कर रहा है एक कॉप एंड हैंडल पैटर्न। अगर यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा तो देखिए ए हो गया उसका कॉप, ए हो गया उसका कॉप एंड ए हो गया उसका हैंडल। इस कॉप एंड हैंडल पैटर्न को ब्रेक करने के बाद और यहाँ पे फर्दर अप मूव आ सकता है। तो मल्टीपल चार्ट सेटअप यहाँ पे दिखाई दे रहा है अबव 961। फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्राइस यहाँ पे कॉन्स्टेंट किया है एक रिवर्सल कॉप एंड हैंडल पैटर्न जिसका नेकलाइन को अभी तक प्राइस ब्रेक नहीं किया है। इसको ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे जो सीएनपी पैटर्न एक्टिवेट हो जाएगा नेक्स्ट टारगेट बनेगा लाइफ हाई। तो क्लियर कट देखिए प्राइस स्ट्रक्चर में अबव 961 यहाँ पे बुली सेटअप एक्टिवेट हो जाएगा। अभी के लिए जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं। प्राइस के लिए अभी जो शॉर्ट टर्म का सपोर्ट बनेगा वो बनेगा नियरली
815, लेकिन अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट कोई करना चाह रहे अबव 961 कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नया ट्रेंड एस्टेब्लिश हो सकता है एंड हमेशा से तो क्वांटिटी मैनेजमेंट करना इंपॉर्टेंट है। मैं आशा करता हूँ आप डिटेल्स एनालिसिस समझ पा रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।